जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विड़थर यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप सबका जिस सब टॉपिक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि हम जीएस के सेक्शन को, जनरल स्टडीज़ के सेक्शन को कैसे इफेक्टिवली तैयार करें और पेपर में जाकर 35 प्लस स्कोर को सिक्योर करें। मतलब कहने की बात है कि हम जनरल स्टडीज़ के सेक्शन को कैसे पार करें, क्योंकि आप सबको पता है यार, जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन एसएससी में अब हो चुका है बिल्कुल ऐसा कि मतलब लोगों को चक्कर आ रहे हैं उसको देखकर। चक्कर मतलब इतना टफ, आप लोग बाग सोचते हैं पेपर में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं भाई। पहले तो ऐसा होता था, चलो यार पहले भी टफ क्वेश्चन आते थे, बट पहले ऐसा होता था कि यार हैंडी क्वेश्चन होते थे, बट अब एसएससी ऊट पटांग के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। दे दन इतने ऊट पटांग के क्वेश्चन है। तो लोग बाग, पहले जो लोग बाग 10 15 20 नंबर ले आते थे, अब वो 5 पे अटक के रह जा रहे हैं। तो लोगों के मन में अब यही चल रहा है कि यार जीएस के सेक्शन को कैसे पार करा जाए। और ये भी सत्य है कि जीएस को सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि ये 50 नंबर का सेक्शन है और 50 नंबर के सेक्शन में आपको कैसे भी करके 25 प्लस नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप 35 नंबर लेकर आ जाते हो इस सेक्शन में, तो फिर क्या ही मतलब, फिर तो मजे ही मजे हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि जनरल स्टडीज के सेक्शन के बिना आप रैंक को सिक्योर नहीं कर सकते, आप होम स्टेट नहीं ले सकते। और साथ ही साथ अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो फिर तो आप भूल ही जाओ आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो याद रखना, जनरल स्टडीज़ का सेक्शन आपके पेपर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपको रैंक सिक्योर करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे वाले में आपको किस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपका सिलेक्शन डी में होगा, सी में होगा, आपका सिलेक्शन होम स्टेट पे होगा, ये सब चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर कौन करेगा? आपका जनरल स्टडीज़ का सेक्शन बनेगा। तो याद रखिए, इस सेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, 50 नंबर करना इम्पॉसिबल है, 45 नंबर लाना भी लगभग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर हाँ, अगर आप अच्छी प्लानिंग कर लेते हो, अच्छे आपके पास सोर्स हैं, चीज़ों को आपने अच्छे से समझा है, चीज़ों की आपने स्ट्रेटेजी अच्छे से बनाई है, तो 35 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है इस सेक्शन में, अगर आपने पढ़ाई करी है तो। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बीच में रहने वालों का तो आपको पता है बीच में कौन रहते हैं, ठीक है। या तो देखो ही मत, ही स्टार्ट ही मत करो, अगर स्टार्ट करा है तो लास्ट तक करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आपके साथ। जैसा कि आपने पढ़ा, तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, क्या पढ़ें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जनरल स्टडीज़ का सेक्शन का स्टार्टिंग यहाँ से होती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बुद्धिजीवी इस यूट्यूब, समझ ही रहे हो, बहुत ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं, तो आजकल के बुद्धिजीवी जो हैं वो लोगों को इतना भ्रमक कर रहे हैं, इतना चक्रव्यूह में फंसा दिया है लोगों को, कि अगर वो एसएससी को छोड़ के यूपीएससी करने लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो उनके लिए यूपीएससी अलग नहीं है, उनके लिए एसएससी अलग नहीं है, उनके लिए रेलवे अलग नहीं है, उनके लिए बैंक अलग नहीं है। वो उनका मानना है कि सबकी जीएस एक है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम के लिए, कि क्या पढ़ें? क्योंकि अगर आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, नॉर्मली बेसिक जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, तो यकीन मानो सर, आप एक सुसाइड कर रहे हो। सुसाइड का मतलब ये होता है ना कि यार पढ़ भी रहे हो और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वो नहीं पढ़ रहे हो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जाहिर सी बात है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है क्या पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या पढ़ें। एसएससी का अब पैटर्न क्या हो चुका है, उसके हिसाब से हम तैयारी कैसे करें? तो सर, पहली चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे होगे एग्ज़ाम में, नहीं देख रहे हो तो पुराने पेपर उठाकर देख लीजिए। 2017 के बाद एसएससी का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्योंकि टीसीएस, नई एग्जामिनेशन एजेंसी, एसएससी का पेपर ले रही है। अगर आप देखोगे तो उस एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन हो चुका है, वो हो चुका है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का सेक्शन क्यों इतना ज़्यादा वेटेज वाला हो चुका है एसएससी के पेपर में अब? क्यों? क्योंकि एसएससी जो टीसीएस एक एजेंसी है, वो एक बैंकिंग एजेंसी है, और बैंक में सिर्फ स्टैटिक जीके आती है। तो स्टैटिक जीके अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या पढ़े में, आपको आता है कि आपको स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से तैयार करना है। कहाँ से करना है उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं, पर पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैटिक जीके में आपको
सबसे अच्छी तरीके से स्टैटिक जीके को तैयार करना है। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं तो स्टैटिक जीके के तो 4-5 क्वेश्चन ही आए थे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, स्टैटिक जीके का मतलब सिर्फ स्टैटिक की टॉपिक नहीं है, स्टैटिक जीके का मतलब है हिस्ट्री के भी स्टैटिक क्वेश्चन, पॉलिटी के भी स्टैटिक क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी स्टैटिक क्वेश्चन, हर चीज़ के स्टैटिक क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूँ, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर में आ रहा है वोल्केनो, कि ए वाला फलाना वोल्केनो कहाँ पर पाया जाता है, तो सर ये जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का स्टैटिक क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। और लोग बाग चार चार वीडियो में चार चार पाँच पाँच दिन तक ये जानने में लगे हैं कि वोल्केनो क्या होता है, लोग बाग पढ़ा भी ही रहे हैं। सर आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। आप ध्यान दीजिए कि SSC आप पूरी तरीके से स्टैटिक हो चुका है, आपको एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है SSC के एग्ज़ाम के लिए। आप सीधे पढ़िए, स्टैटिक टॉपिक पढ़िए। इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम्पल दूं तो इकोनॉमिक्स में वो ये पूछ रहे हैं, अब एक क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स में कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना। अब भैया आपको क्या करना, फाइनेंस कमीशन क्या करता है क्या नहीं करता, दे डिंट आस्क यू, दे वॉन्ट आस्क यू अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, उसके कार क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें फालतू की हैं। वो आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, पहला कौन सा था, अभी कौन सा चल रहा है। तो ये जो टॉपिक है ना, इस चीज़ को आप समझो कि ये स्टैटिक पोर्शन है, हर सब्जेक्ट का भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। हिस्ट्री का भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, साइंस का भी एक स्टैटिक पोर्शन होता है, हर चीज़ का एक स्टैटिक पोर्शन होता है। तो अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो स्टैटिक पोर्शन SSC का 50% पार्ट कवर कर रहा है और उससे भी ज़्यादा। इसमें कोई भी हैरानी बात नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन जो है वो SSC का अब 50% से भी ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है। इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, पिछले पेपर में आप उठा के खुद देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक टाइप के हैं। और स्टैटिक जीके तो फिर आपका है ही है, अपना अपने आप में एक बड़ा टॉपिक स्टैटिक जीके का, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के SSC पूछ रहा है और पूछता रहेगा। तो पहला जो टॉपिक सबको सबसे अच्छी तरीके से तैयार करना है वो है स्टैटिक जीके। आप अगर इसको निगलेक्ट करते हो तो ये मान के चलिए कि आपने SSC के GS को ही निगलेक्ट कर दिया है। तो पहला जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है स्टैटिक जीके, आप स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ें। दूसरा जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है आपका करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का रोल क्यों ज़्यादा हो चुका है, फिर मैंने आपको बताया कि बैंक में सिर्फ स्टैटिक और करंट ही आता है और TCS बैंकिंग एजेंसी है। तो करंट अफेयर्स आपके पेपर में एज यूजल 4, 5, 6, 7, 10 कितने भी नंबर का आ सकता है, वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 5 का आया, किसी पेपर में 10 का आ सकता है, किसी पेपर में 1 भी नंबर का नहीं आएगा। तो इसको आप याद रखिए, आप ये अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार करिए। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका पेपर कभी भी हो, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ कर रखिए। आई सजेस्ट यू कि अच्छी कोई भी बुक लेकर, कोई भी मैगजीन लेकर मंथली करंट अफेयर्स को प्रेफर करिए। या तो आप एनुअल करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए या मंथली करंट अफेयर्स को प्रेफर करिए। रोज का जो करंट अफेयर आता है, मैं उसको खासकर अगर मैं खुद हूँ तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ कि उसमें फालतू की न्यूज़ ज़्यादा होती हैं और काम की न्यूज़ बहुत कम होती हैं। और एट लास्ट में हमारे पास बल्क ऑफ कंटेंट हो जाता है जिसको हम याद नहीं रख पाते, जिस कारण से हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी खत्म हो जाती हैं और पेपर में आके हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कोई भी मैगजीन लाइए, मंथली करंट अफेयर्स करिए, और मंथली करंट अफेयर्स करने के बाद आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पेपर में देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप इस सेक्शन को अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी करंट अफेयर्स, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी स्टैटिक जीके। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है वो है हिस्ट्री। सर हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज ना तो कम पहले हुआ था कभी, ना बीच में कभी हुआ था, और ना ही आगे जाके कभी कम होगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, 4 या 5 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। कोई भी पेपर हो, कोई भी शिफ्ट हो, टफ डिफिकल्ट हो, सरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्ट्री के 3, 4, 5 क्वेश्चन आप पेपर में रख लें, मतलब 50 में से 5 क्वेश्चन, मतलब 10% पार्ट जो है आपका वो कवर करने वाली है हिस्ट्री। कौन कवर करने वाला है? हिस्ट्री कवर करने वाली है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना है वो है पॉलिटी। अनोदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से कवर करना है पॉलिटी का टॉपिक है, जिसमें से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिनिमम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है पॉलिटी में आपको। पहली चीज़ आपको पढ़नी है आर्टिकल्स, पूरे आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। दूसरी चीज़ है आपकी अमेंडमेंट, तीसरी चीज़ है आपकी शेड्यूल्स, और फोर्थ चीज़ है आपके पार्ट्स। 4 चीज़ अगर आप पढ़ लेते हो पॉलिटी में तो आपका 80% पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा, 80% पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इफ़
अगर आप क्या करोगे, चार चीज़ें अच्छे से कवर कर लेते हो तो क्वालिटी आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो जो फोर्थ टॉपिक है वो है पॉलिटी, और फिफ्थ टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है साइंस। और साइंस में भी आपको प्रायोरिटी देनी है बायोलॉजी को, फिर आपको प्रायोरिटी देनी है आपकी केमिस्ट्री के, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, उसमें से पेपर आ जाएगा। और स्टेटिक टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, कौन सा क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका क्या सिंबल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके बाद आप जाओगे तो फिजिक्स में, फिजिक्स में भी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देना है, किसकी क्या यूनिट है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, रादर इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस पर। तो पहले बायोलॉजी आपको पढ़ना है, फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को लगभग समान वेटेज के साथ पढ़ सकते हो। तो फिफ्थ नंबर पे आप रखिए साइंस को, और फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी का नंबर। तो ज्योग्राफी एक्चुअली स्टेटिक का पार्ट है, ज्योग्राफी और स्टेटिक को आप मिलाकर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्टेटिक के तौर पर पूछे गए हैं, जैसे कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो वॉल्केनो से क्वेश्चन आ गए, जैसे कि हम बात करें तो रिवर्स से क्वेश्चन आ गए, जैसे कि हम बात करें तो माउंटेन से क्वेश्चन आ गए। तो ये जो पार्ट हैं वो सब के सब क्या हैं, आपके स्टेटिक के पार्ट हैं पार्ट ज्योग्राफी के, बट ज़्यादातर किसके पार्ट हैं, स्टेटिक के। तो ज्योग्राफी को आप स्टेटिक का पार्ट माने और उसको उसमें ही तैयार करें, कॉन्सेप्ट को सीखने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो कॉन्सेप्ट सीखते सीखते आपको ज्ञान बहुत हो जाएगा पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ज्ञान लेना है तो फिर ज्ञान लो ना भाई, पढ़ काहे को रहे हो, तो ज्ञान बाद में ले लेना जब सिलेक्शन हो जाए तब, बहुत ज्ञान लेने के लिए टाइम मिलेगा, अभी फिलहाल सिलेक्शन ले लो आप, अदरवाइज उम्र पूरी हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा और आप जानते ही हो फिर क्या होगा, शादी मादी भी नहीं होती भैया बिना नौकरी वाला, समझ पा रहे हो उस चीज़ को। तो ज्योग्राफी को रख लीजिए, बस इतना आप कर लीजिए। उसके बाद आपका जो मन करता है, इकोनॉमिक्स वगैरह छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप कर सकते हो, ज़्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में, इतना आप कर लो 35 नंबर आपके पेपर में आ जाएंगे। पहली चीज़ जो मैंने बोली थी कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो पढ़ना ये है आपको, इसी प्रायोरिटी में आपको पढ़ना है, पीछे के पेपर उठा के देख लेना, इसी प्रायोरिटी में पेपर आएगा आपका, फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो है, आप इस वीडियो को सेव करके रख लो, मुझसे आके बोल देना सर आपने ऐसा बताया था, ऐसा नहीं आया पेपर, ऐसा ही आने वाला है पेपर, उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना और आगे आने वाले पेपर भी उठा के देख लेना, पेपर ऐसे ही आएगा, इसी क्रम में पेपर आने वाला है, स्टेटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और आपका ज्योग्राफी, पांच छह सब्जेक्ट है, पांच छह टॉपिक है, इनको कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला टॉपिक हो गया हमारा क्या पढ़ना है, दूसरा चीज है कैसे पढ़ना है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर आपने बता तो दिया, पढ़ना कैसे है, सोर्स कौन से हैं, अच्छी बुक कौन सी हैं जिनसे हमें सब चीज़ें पढ़ सकें। तो सर एक ही किताब है जनरल स्टडीज़ की, जो पहले भी ब्रह्मास्त्र थी, अब भी ब्रह्मास्त्र है और आगे आने वाले हर काल में, हर पीरियड में ब्रह्मास्त्र होगी, लूसेंट। लूसेंट को आप पढ़ लो बहुत अच्छी तरीके से, पीली नीली किताब, पीली आपकी इंग्लिश में आती है, नीली आपकी हिंदी में आती है, तो लूसेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। हाँ, उसको पढ़ना ही डिफिकल्ट काम है क्योंकि बुक है वो, बट ये आपके ऊपर है आप किस टाइप से उसको पढ़ते हो। तो लूसेंट को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। कई लोग आपको मिलेंगे और जो बोलेंगे लूसेंट में से कुछ नहीं आता, यकीन मानिए सर उन लोगों ने कभी लूसेंट को देखा ही नहीं है, लूसेंट को नहीं देखा, मतलब ये वो लोग हैं जो सिर्फ बात करते हैं, उन्होंने लूसेंट को कभी नहीं देखा। आप उनसे एक भी क्वेश्चन पूछ लोगे लूसेंट के बारे में तो वो आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे। तो बस लूसेंट पढ़ लो, जनरल स्टडीज के लिए लूसेंट को रखो, एक करंट अफेयर की मैंने आपको बता दिया है, करंट अफेयर्स के लिए यू शुड फॉलो मंथली मैगजीन, मेरा प्रायोरिटी मंथली है, मैं आपको बोलूँगा मंथली मैगजीन, कोई भी मैगजीन ले लीजिए मंथली, उसको आप फॉलो करिए, इंग्लिश हिंदी में कोई भी मैगजीन आपकी मिल जाएगी। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो करनी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर, याद रखना प्रीवियस ईयर पेपर का रोल SSC में हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा से रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को रखोगे और खासकर 2017 के बाद के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलें उनको आप करते जाइए। TCS ने जितने भी क्वेश्चन अभी तक दिए हैं उनको पूरों को सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे पहले के क्वेश्चन चाहे आपके छूट जाएं कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले SSC का पैटर्न अलग था, अब SSC का पैटर्न अलग हो चुका है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है आपको, कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो 2017 से सॉल्व करने हैं। SSC के लिए ब्लैक बुक आ रही है, QMS ने ब्लैक बुक निकाली है, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला है और उसमें उन्होंने साफ साफ लिख दिया है आगे ए TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप उस बुक को परचेस कर सकते हो तो उस बुक को ले सकते हो और उस बुक से जितने भी TCS के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप अच्छे से क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो।
तो TCS के द्वारा जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लें, प्रीवियस ईयर उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। जर्नल स्टडीज, बेसिक जर्नल स्टडीज़ के लिए आप लूसेंट पढ़ें, और फिर आता है आपका सेकेंडली जो मैंने बताया था, करंट अफेयर्स के लिए आप तैयार करें। क्या करंट अफेयर्स के लिए आप तैयार करें? आपकी मंथली मैगजीन से। तो इस चीज़ से क्वेश्चन पड़ता है कहाँ से पढ़ें, ये सिर्फ तीन चीज़ें फॉलो कर लें। कोई बोलता है आपसे NCERT पढ़ लो, तो उससे बोलो भाई नहीं, हमें नहीं पढ़ना, हमें UPSC नहीं करना है, आपको सर SSC करना है। NCERT पढ़ोगे ना कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि NCERT में फैक्ट नहीं दिए, और SSC आपका सिर्फ फैक्ट पूछने वाला है, सिर्फ स्टैटिक टॉपिक आपसे आप पूछने वाला है, वो नहीं जाएंगे एक भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो बोल रहा है आपसे NCERT पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढिकाना पढ़ लो, किसी की बात मत मानो भाई। पुराने आप पेपर देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस टाइप का हो चुका है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये तीन सोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल डेलीजेंटली अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो कर ले हो तो इनका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बट इन सोर्सेज को फॉलो करना ये अपने आप में चैलेंज है। तो कमेंट आप कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को कैसे पढ़ें, मतलब इफेक्टिवली ये बुक जो है, ये लूसेंट जो इतनी खतरनाक सी बुक है, इसको हम कंप्लीट कैसे करें, इस बुक को इफेक्टिवली हम कैसे तैयार कर लें। तो अगर आप चाहते हो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट कर सकते हो कि नहीं, कैसे हम इफेक्टिवली चीज़ों को पढ़ें जिससे बहुत टाइम तक दिमाग में हमारी चीज़ें रहें और हम पूरी GS को कम टाइम में अच्छे से कर सकें। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लूसेंट जैसी बड़ी बड़ी किताबों को हम कैसे जल्दी से कवर करें, तो इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो बनवाना तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि कितना टाइम दें, कितना टाइम हम सब्जेक्ट को दें। तो सर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये बिटर ट्रूथ है, ये याद रखना, आपके 45 नंबर नहीं आएंगे इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में आप 45 नंबर नहीं ला सकते, SSC आपको लाने भी नहीं देगा। आप कई लोग आपको बोलेंगे थंबनेल में डाल देंगे 50 में से 50, GS में 50 में से 50 लाओ, GS में 50 में से 45 लाओ। सर ये वो लोग हैं जिनके कभी 10 भी नहीं आए, ये वो लोग हैं जिनके कभी 15 नंबर भी नहीं लाए और आपको 45 प्लस की तैयारी करवा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस बता देता हूँ। सर SSC ने पिछली बार चाइना से क्वेश्चन पूछे थे, चाइना के क्वेश्चन पूछ लिए 3-4, तो चाइना का ये बताओ, चाइना का वो बताओ, भाई भारत की याद नहीं हो रही, GS चाइना के क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। एक क्वेश्चन ना तो कोई बुक में दिए, एक क्वेश्चन ना तो कोई ने पढ़ के दिए, ऐसे क्वेश्चन SSC फिर देगी। 10 क्वेश्चन याद करके रखो, 10 ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो बिल्कुल 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 आउट ऑफ सिलेबस होने वाले हैं। अब बताओ एक क्वेश्चन की तैयारी आप कहाँ से करोगे, नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन आपके हाथ में है ही नहीं। अब कई लोग बोलेंगे नहीं मैं तो चाइना की GS पढ़ूंगा पूरी, भैया पढ़ ले, अपना आप टाइम भी वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करोगे, और इससे अच्छा आप जो सेक्शंस में पूरा स्कोर कर सकते थे उनकी जगह आप उस सेक्शन में अपनी मूड़े मारोगे जिस सेक्शन का रिजल्ट कोई भी नहीं है। इंग्लिश में आप मेहनत कर सकते थे, उसका टाइम आपने जनरल स्टडीज को दे दिया और वहां पर आप फेल हो गए, क्योंकि आप चाइना की GS पढ़ने के लिए बैठ गए, आप भूटान की GS पढ़ने के लिए बैठ गए, आप श्रीलंका की GS पढ़ने के लिए बैठ गए, नहीं आप बोलोगे नहीं वहाँ तो क्वेश्चन आ रहे हैं, होगा क्या, आप फेल हो जाओगे। आप इंग्लिश में 100 में से 95 स्कोर कर सकते थे, 100 में से 100 स्कोर कर सकते थे इंग्लिश में, बट आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, कि आपने उसका टाइम किसको दे दिया, जनरल स्टडीज को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सर, हमको तैयारी करनी है 35 प्लस की, हमको तैयारी नहीं करनी है 45 प्लस की, हमको तैयारी नहीं करनी है 50 प्लस की। जो क्वेश्चन हैंडी हैं, जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, हम सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे। फालतू के क्वेश्चन जो SSC दे रहा है वो SSC को बोलते हैं, तुम इनको अपने पास रखो, हमारे क्वेश्चन हमारे पास है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपका ऐसा टाइम टेबल बनाओ, जिन लोगों की थोड़ी सी GS अच्छी है वो 3-4 घंटे दे सकते हैं GS को, 2-3 घंटे, डिपेंड ऑन यू। जिनकी थोड़ी सी बेकार है, जो न्यू कमर है, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप टाइम दीजिए उन सेक्शन में जिनको आप पूरे में से पूरा कर सकते हो। रीजनिंग को आप 50 में से 50 का कर सकते हो, डूएबल है। इंग्लिश को आप 100 में से 100 का कर सकते हो, वो भी डूएबल है, क्योंकि SSC में अब इंग्लिश का स्कोर तो भाई क्या ही बताएं। CGL का रिजल्ट उठा के देख लो, 200 में से लोगों ने 202, 205, 210 नंबर मारे हैं। तो इंग्लिश डूएबल है, रीजनिंग डूएबल है, ये सेक्शन डूएबल नहीं है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर आपको 35 प्लस की तैयारी करनी है, आपको कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और सिलेक्टेड पढ़ना है। तो ये तीन चीज़ों की बात कर लिए, ये तीन चीज़ें अगर आप करते हो तो GS आपके लिए एक केक वॉक हो जाएगा, ठीक है, और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छा स्कोर के साथ आप एक अच्छी जॉब भी सिक्योर कर पाओगे। हाँ, और आप लोग अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो GS का,
जो कि बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, बहुत ही सस्ता कोर्स है, जिसमें मैंने बेसिक प्लस अपडेट जो भी ऐसी चीज़ें करवाई है वो सब चीज़ों के साथ मैं जीएस को पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से मैं जीएस को पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए। 28 तारीख से कोर्स चालू हो चुका है। थैंक यू सो मच।